जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं, जिम्मी भी ठीक हैं। आप लोग को बताने वाले हैं कि मेरे पास लबड़ था, बहुत सारा था, 40-42 को था। इस बार ठंडा में बहुत सारा मर गया, तो हम लोग सोचे कि उसको बेच दे। आपको खाली पिंजरा दिखा दिए हैं और ये लबड़ ना हम लोग दूसरे को दे दिए हैं। और अब जा रहे हैं हम लोग तोता लाने के लिए। देखिए पिंजरा टांग लिए हैं और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हम लोग बैठे गाड़ी पर और चले फिर तोता लाने के लिए। हम लोग को तिनपोलिया जाना है। हम लोग नया चौक क्रॉस कर रहे हैं और जब तक नया चौक क्रॉस कर रहे हैं तब तक आप लोग से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरा जिम्मी को बहुत सारा बाल झड़ता है। आप लोग के पास अगर कोई उपाय होगा तो ज़रूर बताइएगा। पूरा घर बाल ही बाल रहते हैं। कितनों काम करते हैं, कुछ भी, मतलब पूरा काम करने से जो निकलता है उसके बाद भी पूरा घर में बाल रहता है। अगर आप लोग के पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अब हम लोग नया चक हम लोग खेमनी चक क्रॉस कर गए हैं और अब बाईपास पर चढ़ेंगे 2 मिनट में। फिर बाईपास होते हुए और जब तक बाईपास पर चढ़ रहे हैं तब तक आप लोग से बात कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हमें वीडियो बनाने नहीं आता है और हम क्या बोले, हमको एडिट करने नहीं आता है, साउंड रिकॉर्ड करने नहीं आता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि हम आप लोग को अच्छा से अच्छा दें। रिकॉर्डिंग भी नहीं अच्छा आता है फिर भी। अब हम लोग तिनपोलिया पहुंचने वाले हैं और जब तक तिनपोलिया पहुंचते तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पसंद कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिम्मी को भी, क्योंकि जिम्मी भी तो जिम्मी की मम्मी भी बहुत मेहनत करती है। अब हम लोग आ गए हैं, बर्ड पसंद करने लगे हैं, क्या लें और कैसा लें, पूरा घूम घूम के देख रहे हैं। देखिए कितना क्यूट लग रहा है झूला पर झूलते हुए, बहुत क्यूट था। लेकिन ये सब बहुत कॉस्टली था, इतना महंगा नहीं लेने का प्लान था इसीलिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा, जिम्मी के डैडी को तो ये बहुत पसंद आया, हमें भी पसंद था। यही लव बर्ड था मेरे पास जो हम लोग हटाए हैं। ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, इसी में से हम लोग पसंद, इसमें से हम लोग पसंद करके गए हैं। और हम अब थोड़ा आगे क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पर पहाड़ी तोता रखा हुआ था। थोड़ा कॉस्टली था, शायद 1500 का पीस था। तो हम लोग बच्चा था, हम लोग पहले भी एक बार ख़रीदे हैं ये तोता, लेकिन हम लोग के पास नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया था, उसको मर गया था दोनों। तो फिर हम लोग नहीं पसंद कर रहे कि इतना महंगा लें, कुछ हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है। हम लोग फिर पसंद करते करते गए हैं और दो और तोता पसंद किए थे जो लाने जा रहे हैं अभी। यहाँ खरगोश है, आपको पता है इतना बढ़िया लग रहा था ना। एक बंदर था, उसको हम शूट कर रहे थे, वो मेरा बार बार मोबाइल पकड़ना चाह रहा था। देखिए अब जाते हैं बंदर के पास तो आपको दिखाते हैं। बार बार वो मोबाइल को ऐसे पकड़ रहा था ना, वह बहुत क्यूट लग रहा था देखने में, हमको तो बहुत अच्छा लगा। ये तो लबड़ दिखा रहा है, नहीं लबड़ नहीं दिखा रहा, सॉरी, ये तोता है, पहाड़ी तोता है, लेकिन बहुत छोटा बच्चा है। देखिए ना, इसको बोरा से ढक के रखे हुआ कि हवा लगेगा तो इसको नुकसान करेगा। क्यूट क्यूट था, पूरा मंडी ही है तो पूरा तो क्यूट क्यूट तोता वहाँ पर। बहुत सारे वैरायटी था, बहुत सारा, मतलब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लें इसमें से, क्या ना लें, समझ नहीं आता। ये देखिए ये सब के सब, आप फाइनली बंदर के पास आ गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मेरा मोबाइल पर ऐसे झपट्टा मार रहा है बार बार, अपने हाथ से ऐसे मोबाइल पकड़ रहा है बार बार। हाँ बहुत पसंद है। उसी के ऊपर एक डॉग बंधा हुआ था, ऐसे बंधा हुआ क्या, पिंजरा में रखे हुआ था वो लोग। जानते हैं मंडी में हम गए ना, हमको सबसे ज़्यादा ख़राब क्या लगा, वो लोग ना एक डॉग बेचने के लिए डॉग को रखे हुआ था, सबको पिंजरा में बंद करके। जानते हैं उस पर धूप लग रहा था और वो डॉग सबको नहीं पसंद आ रहा था, सारा डॉग हफ रहा था एकदम। देखिए यहाँ डॉग के पास आ गए ना, ये सब धूप में है, इसके आँख से आंसू आ रहा था, पूरा हफ रहा था, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ देख करके, क्योंकि डॉग तो धूप में रहना पसंद नहीं करता है और सबको पिंजरा में बंद करके रखे हुआ है। एक जर्मन सफर था, ऐसे बोल रहा था 6 महीना का बच्चा है, इसको कौन 6 महीना का बच्चा बोलेगा जर्मन सफर का। ये भी धूप की वजह से परेशान हो रहा था, हम लोग को बहुत बुरा लगा देख करके। फिर हम लोग वहाँ से निकले, हम तो पूछ भी बैठे कि ऐसे धूप में मत रखिए, ये सबका एनर्जी लॉस होता है धूप में। फिर हम लोग फाइनली लौट के आए वहाँ, जहाँ दो तोता हम लोग उधर से ले लिए थे और जहाँ हम लोग बाकी के 6 तोता पसंद किए थे। फिर हम लोग वहाँ आए हैं, वो भाई जी सारा तोता को निकाल के मेरे पिंजरे में डाल रहे हैं, जो पिंजरा हम ले के गए थे। और देखिए 3 लगता है चला गया, तीसरा जा रहा है। और 2 ठो पहले से हम लोग अलग से लाए थे खरीद के,
ये जिसका रेड कलर का सर है वो लाए थे खरीद के, और ये 3 ठो इसमें से निकाल के रखे हैं, 6 ठो रखना है, 3 निकाल लिए हैं, 3 और निकालना बाकी है। वो भैया निकाल रहे हैं बहुत अच्छे से, वो पकड़ रहे हैं तोता को, हम लोग से तो पकड़ाएगा नहीं इतना बढ़िया। और ला दिए हैं कि अब यहाँ पर लब्बर नहीं रहेगा तो हम लोग तोता को ही सिखाएंगे, कुछ कुछ जिम्मी बोलना सिखाएंगे। हम लोग घर आ गए हैं तोता लेके, और ये देखिए मेरे पिंजरे में तोता है। अब हम लोग डायरेक्ट आपको पिंजरे में उसको छोड़ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि एक एक करके सब पिंजरे में जा रहा है। बड़ा सा पिंजरा है, वो लोग को भी अच्छा लगेगा बड़ा पिंजरा में। देखिए एक एक करके उसमें से खुद निकल रहा है, जब पिंजरा का गेट खोल के उस पिंजरे बड़े वाला पिंजरा के गेट में सटा दिया गया है, तो सब एक एक करके जा रहे हैं, चला गया सब। थोड़ा सा इसमें दिखा देते हैं आपको, फिर आपको अच्छे से वीडियो दिखाते हैं। देखिए सब पिंजरा में चला गया है, अच्छे से चला गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।